इन्हीं पत्तों को तोड़ के सुखा के चाय पत्ती बनाई जाती है और इधर की चाय पत्ती बहुत ज़्यादा फेमस है। सो गाइज, ये टॉय ट्रेन का ट्रैक है, ट्रेन आने वाली है, तो आप देख सकते हैं ट्रेन आ रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मोहित ट्रैवल गुरु। और इस टाइम मैं खड़ा हूँ दार्जिलिंग में अपने होटल के टेरेस में, और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप दार्जिलिंग में किस तरीके से घूम सकते हो, क्या बजट प्लान होना चाहिए और किस तरीके की आइटनरी होनी चाहिए और कौन कौन सी बेस्ट प्लेसेस आपको यहाँ पर घूमनी चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सारा बजट बताऊँगा दार्जिलिंग में घूमने का और किस तरीके से आपको ये ट्रिप प्लान करनी है, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊँगा। तो प्लीज़ वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर चलते हैं दार्जिलिंग को घूमने। Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. सो गाइज, अभी मैं टॉय ट्रेन के रेलवे स्टेशन में खड़ा हुआ हूँ। तो ये इधर का सबसे ज़्यादा बेहतरीन एडवेंचर ट्रेन जर्नी है, जो कि NJP से अपना दार्जिलिंग तक आती है और सिलीगुड़ी से भी आती है। तो इसके चार्जेस जो होते हैं वो 1000 रुपये होते हैं डीजल के, 1000 रुपये होते हैं स्टीम के और 1500 होते हैं डीजल के। तो आप ये वाली ट्रिप भी एंजॉय कर सकते हैं अगर आप दार्जिलिंग में आए हैं। सो गाइज, अगर आप भी टॉय ट्रेन में एडवेंचर करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 12 से 13 घंटे निकालने पड़ेंगे, दैट मीन्स पूरा एक दिन निकालना पड़ेगा। तो अगर आप ये घूमना चाहते हैं तो इसमें आपको एक दिन एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, क्योंकि ये NJP से दार्जिलिंग जाती है पूरे 12 से 13 घंटे में। सो गाइज, हमारा स्टे होटल वैलेंटिनो में है दार्जिलिंग में। ये थोड़ा सा ऊपर आके रोड के, बट बहुत अच्छा एम्बियंस है इधर का। सो गाइस, जो दार्जिलिंग में हमारा रूम हुआ है वो हमने कराया है वैलेंटिनो होटल में, और अभी मैं आपको रूम का टूर कराता हूँ। सो ये हमारा रूम है और बहुत बड़ा सा एक बेड दिया गया है यहाँ पे, और ये व्यू वाला रूम लिया है मैंने, इसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। और यहाँ से पूरा कंचनजंगा दिख रहा है जैसे कि आप देख रहे होंगे। सो ये इस तरीके का कुछ रूम है, और ये वॉशरूम है जो कि बहुत बड़ा है, वॉशरूम का स्पेस बहुत ज़्यादा बड़ा है, गीज़र लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे मिरर है। सो गाइज, वैसे तो यहाँ पे रूम का प्राइस सीज़न टू सीज़न चेंज होते रहता है, बट आपको व्यू वाला अगर रूम लेंगे तो आपको उसका एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ेगा। तो व्यू वाला रूम का आपका जो चार्जेस पड़ेंगे वो 1800 to 2000, ये मैं अभी ऑफ सीज़न की बात बता रहा हूँ। अगर आप ऑन सीज़न आएंगे यही रूम आपको 2500, 3000, 3500 कोई भी रेट में मिल सकता है, कोई फिक्स नहीं होगा, क्योंकि जब ऑन सीज़न होता है इधर सारे रूम बुक रहते हैं। सो अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हैं तो ये रूम आपको 1500 to 2500 के बीच में मिल जाएगा। बट जो व्यू वाला रूम होता है वो बहुत, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज पूरे कमरे में रोशनी है, धूप भी आ रही है यहाँ से, और पूरा अच्छे तरीके का व्यू दिख रहा है बैठे बैठे। सो अभी मैं तो इसमें पैकेज में आया हूँ। सो अगर आप पर्सनल लेके आए, पर्सनल आएंगे तो ये रूम आपको 1500 से 2500 का पड़ जाएगा ऑफ सीज़न में। सो फ्रेंड्स, अभी बज रहे हैं सुबह के 4, और हम अभी जाने वाले हैं टाइगर हिल्स। टाइगर हिल्स जाने के लिए आपको सुबह बहुत जल्दी उठना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको सनराइज़ नहीं दिख पाएगा। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, नीचे ड्राइवर वेट कर रहा है। सो ये दिसंबर का महीना है इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है, तो आपको कैब वैब सब कुछ लेके जाना पड़ेगा, और सुबह वैसे भी बहुत ज़्यादा ठंड होती है पहाड़ों में। तो अभी निकलते हैं और देखते हैं सनराइज़। सो फ्रेंड्स, यही स्टैंड है जहाँ से आपको टैक्सी लेनी होगी, मतलब यहीं पे आती है सारी टैक्सी जो भी आप बुक कराओगे, और सारे लोग अभी इंतज़ार कर रहे हैं टैक्सी का। तो गाइस, हमारी गाड़ी आ चुकी है और अब हम जा रहे हैं टाइगर हिल्स देखने। सो गाइस, देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, और यहाँ से निकलेगा हमारा
सनराइज होते हुए। अब निकला है मस्त। सो गाइस अभी हम सनराइज देखने के लिए खड़े, बट अभी तक सनराइज हुआ नहीं है यहाँ पे। सो क्या कहना चाहेंगे आप इसके बारे में? गाइस देखो, ब्लॉगर लोग बहुत मेहनत करते हैं, तो आज नहीं दिखा तो ये कल आकर आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। और बहुत सारे पैसे भी खर्च हो चुके हैं, और कम से कम ऊपर चढ़ते चढ़ते लोगों के पसीने छूट जाते हैं, तो आप लोग कृपया सपोर्ट करें। तो सनराइज़ देखना है तो आप मार्च के बाद ही आएँ, उससे पहले आएंगे तो आपको बहुत ही मुश्किल है। बहुत ही लकी हो गया आप अगर आपको दिसंबर से मार्च तक दिखेगा सनराइज़। सो गाइस देखिए कितनी ज़्यादा भीड़ लगी हुई है यहाँ पे, बट अभी तक सनराइज़ नहीं हुआ है। शायद से हमारे किस्मत फूटी हुई है, क्योंकि बादल चारों तरफ छाए हुए हैं और लोगों में उत्साह बढ़ते जा रहा है। और यहाँ पे टेलीस्कोप में भी दिखाया जाता है, चांद देख रहे हैं ऊपर का। तो गाइस सारे लोग जा रहे हैं सनराइज़, क्योंकि ढंग से नहीं दिख पाया। सो नेक्स्ट टाइम देखते हैं, अगर किस्मत अच्छी हुई तो दिखेगा। इतना अच्छा सनराइज़ नहीं दिख पाया हमें, बट फिर भी जितना दिखा वो इस तरीके का, बादल की वजह से कुछ भी नहीं दिख पा रहा है। सो गाइस टाइगर हिल्स में आपको सबसे पहले आते समय एक मंदिर मिलेगा हनुमान जी का। सो गाइस टाइगर हिल से आते हुए आपके दो पॉइंट और कवर हो जाएंगे, एक का नाम है जैपनीज टेंपल और एक का नाम है पीस पगोड़ा। सो गाइस जो आप पीछे देख रहे हैं ये पीस पगोड़ा है, और इसके सामने ही बिल्कुल आपको पड़ेगा ये जैपनीज टेंपल। तो ये दोनों पॉइंट एक साथ मिलेंगे आपको, तो यहाँ भी आप घूम सकते हैं दार्जिलिंग में। सो गाइज दार्जिलिंग में आपको एक मॉनेस्ट्री मिल जाएगी जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, इधर भी आप घूम सकते हैं। सो गाइज ये मॉनेस्ट्री है, थोड़ा थोड़ा सा आपका की चेन्स और आपको कुछ कुछ चीज़ें मिल जाएंगी यहाँ पे, और टेंपल में आप दर्शन कर लेंगे। और इधर कपड़े भी मिल जाएंगे, जैसे शॉल्स हो गया, टोपी हो गई, तो 5 से 10 मिनट यहाँ पे भी आप स्पेंड कर सकते हैं। आप कौन सी क्लास में हो? सब एक ही साथ है। एक साथ क्लास? सो गाइस अभी हम बतासा लूप में आ चुके हैं, और यहाँ पे अभी कुछ व्यू पॉइंट है, यहाँ से शहर से कंचनजंगा साफ दिखे हमें। सो गाइस बतासा लेक में कुछ ऐसा दिखेगा। सो गाइस अभी धूप तो आ नहीं रही है, तो बतासिया लूप में व्यू पॉइंट पर जाने का कुछ फ़ायदा नहीं है। सो अगर धूप अच्छी होती तो जा सकते थे, और इधर 50 रुपये की एंट्री है। सो अभी हम आगे के लिए जा रहे हैं, अभी देखते हैं हमें कहाँ जाना है। सो गाइस अगर आप दार्जिलिंग आए हो तो टी गार्डन देखना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ही सुंदर है यहाँ पे टी गार्डन, बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है जैसे कि आप देख सकते हैं आगे की तरफ। सो गाइस ये टी गार्डन है हमारा, सामने देख रहे होंगे पूरा टी गार्डन, और ये रास्ता है आने का।
इन्हीं पत्तों को तोड़ के सुखा के चाय पत्ती बनाई जाती है, और इधर की चाय पत्ती बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे टी गार्डन्स हैं। अभी मैं ऊपर देखता हूँ, वैसे अगर आप एम जी रोड में जाओगे तो आपको उधर चाय पत्ती मिलेगी, तो आप मत लेना दार्जिलिंग लिखी है, वो फर्स्ट कॉपी होती है, तो उसमें ज़्यादा आपको टेस्ट आएगा नहीं। अगर आपको चाय पत्ती लेनी है तो मेरे को किसी ने बोला था कि टी गार्डन के आसपास से लेना, वहाँ पे आपको थोड़ी सी जेन्युइन मिल सकती है शायद से, बट हम पहचान नहीं पाएंगे, बट फिर भी मैं एक तो लेके जाऊँगा और देखूँगा कि कैसी है चाय पत्ती। सो अभी मैं टी गार्डन के मज़े लेता हूँ, तब तक आप व्यू के मज़े लो। गाइस टी गार्डन में आपको ऐसे कपड़े चेंज करने के लिए मिल जाएंगे जो दार्जिलिंग स्टाइल कपड़े होते हैं, इनका रेट सिर्फ 50 रुपीज़ पर पर्सन। ये देखिए, इस दुकान से हमने अभी टी ली है दार्जिलिंग की जो फेमस है, बस अब घर जाके पता चलेगा, अभी जो इन्होंने पिलाया वो तो बहुत टेस्टी हो रहा है, बट घर जाके पता चलेगा कि इसके अंदर जो हम दे रहे हैं ओरिजिनल है या नहीं है, बट हमने इधर ही से लिया, इसका प्राइस मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। हाँ जी, सो गाइस अगर आप दार्जिलिंग आए तो ये कॉलेज भी जरूर देखिए, बाहर से बहुत सुंदर दिख रहा है। मैं बार बार इसको कॉलेज बोल रहा हूँ, कॉलेज नहीं है ये, स्कूल है और इसमें कॉलेज की शूटिंग हुई है, बट इसको देखने भी आप ज़रूर आएँ क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा है इसके बाहर, इसको बाहर से देखने में। तो इसका मेन गेट भी मैं आपको दिखा देता हूँ, मेन गेट है ये वाला, देख रहे होंगे स्कूल बस लगी हुई है सामने। इस यहाँ पर अभी क्रिसमस की तैयारी हो रही है और यहीं पर मैहुना की शूटिंग है इसी कॉलेज में पूरे। सो गाइस जो ये आप कॉलेज देख रहे हैं, इसमें मैहुना मूवी की शूटिंग हुई थी, और मैहुना मूवी की पूरी मतलब कॉलेज वाले जो सीन थे वो इसी स्कूल में दिखाया गया था। ये एक स्कूल है दार्जिलिंग का और ये वैसे देखने में बहुत ही सुंदर है, इसलिए आप आ रहे हैं तो आप यहाँ भी आ सकते हैं और विज़िट कर सकते हैं। सो गाइज अगर आप दार्जिलिंग आए हैं तो आप ज़ू में भी जा सकते हैं, जैसे कि अभी हम ज़ू में जा रहे हैं, तो 5 मिनट का वॉक है यहाँ से, और इधर 3 पॉइंट है घूमने के लिए, एक ज़ू है, एक म्यूज़ियम है, और तीसरा क्या है, तीसरा पॉइंट कौन सा है। सो वाओ गाइज, दूसरे ब्लॉगर को पता ही नहीं है जो हमारे साथ आई हैं, बहुत अच्छी ब्लॉगर हैं, ये बताती नहीं है कहाँ जा रही हैं, बस सीधा दिखा देते हैं हम ज़ू आ गए। सो गाइज ज़ू के यहाँ पे भी इधर शॉप्स बहुत सारी हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे शॉप बहुत सारी मिल जाएंगी आपको, की चेन लेनी है या टोपी लेनी है, हर जगह ये शॉप है, माल रोड से लेकर मतलब जैसे ही आप दार्जिलिंग में एंट्री करेंगे तो ऐसी शॉप तो आपको मिलती रहेंगी। तो गाइस ज़ू में एंट्री हो गई है, इधर आपको ब्लैक बियर ये सब कुछ दिखेगा आपको, वॉल टाइगर, म्यूजियम है, HMI है, रेड पांडा, और सो गाइज अभी हम ब्लैक बियर देखने जा रहे हैं, और इस तरफ से रास्ता है इसका, अभी तक तो दिखा नहीं हमें, आगे जाके दिखता है तो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। सो गाइज ये है हिमालयन गोरल, ये मुझे हिरण की तरह लग रहा है। सो गाइस जो नया जानवर देखने जा रहे हैं उसका नाम है हिमालयन तहर, देखिए ये है हिमालयन तहर, मैं।
तो गाइस ये है मारखोर, ये पाकिस्तान का एनिमल है। ये गाइस देखिए, ये पाकिस्तान का एनिमल है। ये इंडिया में नहीं पाया जाता, सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है। सो गाइस ये है सांबर डियर, ये इंडियन है। ये तो नॉर्मल हिरन की तरह लग रहे हैं, थोड़ा गाय की तरह। सो गाइस देखिए, वो बच्चा अपने माँ का दूध पी रहा है। ये देखिए, अच्छा ये दूसरा जानवर है, वो दूसरा जानवर है। ये देखिए, और ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, ये दिल्ली के जू में भी नहीं था। सो गाइस ये है ब्लू शीप, ये नील गाय बहुत साइलेंटली खड़ी हो जा रही है, फिर थोड़ी थोड़ी देर में चल रही है। सो गाइस ये तो याक है, जो हमने नॉर्थ सिक्किम में देखा था अभी नथुला पास में। बॉडी वेट मिश्मी ताकीन। सो गाइस ये बार्किंग डियर, मार भी सकते क्या? सो गाइस यहाँ पे लेपर्ड दिखेंगे हमें। तो गाइस अभी हम देखने जा रहे हैं ब्लैक पैंथर। उधर क्यों देख रहा है? उधर धूप सेकने गया है, उधर हवा चल रही है। सो गाइस ये जंगली मुर्गा है। उधर भी है, उधर भी है। आए तो ला जाओ, तुम लाइट बता दो। सो गाइज अभी हम आ गए हैं HMI में, और दार्जिलिंग में जो ये HMI है, यहाँ पे अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो यहाँ पे जाके आप अंदर देख सकते हैं ट्रैकिंग के बारे में यहाँ पे, और माउंटेनर्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं और दिखाई गई हैं, जो कि आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी जगह लगी मुझे। सो गाइज देखिए, यहाँ पर ट्रेनिंग होती है हिमालय पर्वत में चढ़ने की। सो गाइज यहाँ पर एक म्यूज़ियम है, जिसके अंदर माउंटेनिंग के बारे में बहुत सारा बताया हुआ है, ट्रैकिंग के बारे में, और कुछ ऐसे शहीद जवान हैं उनके बारे में नॉलेज दी गई है। तो आप इधर भी आ सकते हैं, और इधर के अंदर फोटोग्राफी लेना बस अलाउड नहीं है। ये बिल्कुल ज़ू के अंदर ही होगा, HMI म्यूज़ियम एंड ज़ू। सो गाइस अगर आप दार्जिलिंग आ रहे हैं तो ज़ू ज़रूर आएँ, क्योंकि ज़ू बहुत वर्थ इट है सारी प्लेसेस में से, क्योंकि यहाँ पे जो जानवर है बहुत अच्छे तरीके से दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिल्ली। सो गाइस इधर आपको होटल मिल जाएंगे बहुत सारे, जैसे पाइन ट्री होटल है, ये माल रोड से बिल्कुल सीधा जाओगे तो वहाँ मिलेगा। और अभी हम जा रहे हैं महाकाल मंदिर, जो कि इस रोड में है, तो चलो देखें यहाँ का महाकाल मंदिर, जो बिल्कुल माल रोड से थोड़े से नज़दीक है।
सो गाइस आज की इस पूरी वीडियो में आपको सिर्फ ये शेयर करूँगा, आप लोकल दार्जिलिंग में एक दिन और एक्स्ट्रा स्टे करें जिससे कि आप माल रोड को अच्छे से घूम लें, क्योंकि रात को सारी चीज़ें खुल जाती हैं, भीड़ हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता। तो इसमें मैं आपको मार्केट भी दिखाऊंगा और अभी हम महाकाल मंदिर जा रहे हैं क्योंकि आज का पूरा डे है हमारे पास दार्जिलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए। आ जाएगी आप जब ऊपर आएंगे तो ये 1 किलोमीटर लगा के चलो ट्रैक है ऊपर 1.5 किलोमीटर, और फिर ये मंदिर है छोटा सा, उसके बाद अभी ऊपर महाकाल का मंदिर है जिसका रास्ता है, ट्रेल बनी हुई है ऊपर जाना है, दिखाता हूँ फिर आपको। एक बोर्ड आया हुआ है इसमें यहाँ की शायद से लोकल लैंग्वेज, अगर आपको समझ आ जाए तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। और ऊपर महाकाल का मंदिर है, मंदिर आ गया है, इधर के फ्लैग्स लगे हुए हैं इधर जो पूजा होती है, बट महाकाल का मंदिर, मंदिर आ गया, बहुत अच्छा फील आ रहा है आपको। वाओ, सो गाइस ये पहले हनुमान जी का मंदिर आ गया यहाँ पे और अभी ऊपर होगा महाकाल बाबा का मंदिर। सो गाइस ये आ गए अभी हम महाकाल मंदिर, यही है महाकाल का मंदिर और यहाँ पे अभी हमने दर्शन करे। अंदर में वीडियो नहीं बना रहा, अच्छा नहीं लगता ऐसा। सो गाइस महाकाल मंदिर में घूमने के बाद हम आ गए महाकाल रेस्टोरेंट खाना खाने, जो दार्जिलिंग की मेन मार्केट में आपको मिलेगी। ये रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लगा मुझे, बाकी और मतलब हमने जहाँ भी खाना खाया उसके अकॉर्डिंगली, बट यहाँ का खाना बहुत अच्छा था और यहाँ आप ज़रूर आएँ। सो गाइज़ आपको दार्जिलिंग में मिनिसो का शोरूम ही मिल जाएगा, बिल्कुल मेन मार्केट मतलब जो मेन बस स्टैंड और टैक्सी स्टैंड है उसके सामने ही। सो गाइज़ स्केवेंटस भी मिल जाएगा आपको उसकी मार्केट में, और बाटा का शोरूम भी यहीं पे ही है। तो गाइस नॉर्मल शोरूम तो अगर बहुत सारे मिल जाएंगे जिसमें आपको शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें होंगी जो इनका हैंडमेड प्रोडक्ट है। सो आपको वैसे वो जैसे कोई चीज़ 1200 की मिल रही है तो यहाँ पे 600-700 की मिलेगी, बट इनका हैंडमेड है, कोई कंपनी नहीं है वो। सो ये पूरी मार्केट है और ATM भी इधर अवेलेबल होंगे। गाइस वैसे कश्मीरी शॉल होता है, इसमें इन्होंने लिखा है कश्मीरी शॉल्स। सो इन साइड की शॉप है, अभी मॉर्निंग हो रही है तो थोड़ी सी शॉप बंद है। और ये एक रेस्टोरेंट है, इसका नाम है होप। सो गाइस इधर KFC भी मिल जाएगा, तो मतलब आपको इधर हर चीज़ अवेलेबल हो जाएगी खाने की, जो गैंगटॉक में मुझे थोड़ी कमी लगी, गैंगटॉक में बहुत दूर जाना पड़ रहा था ये सारी चीज़ें हमें देखने के लिए। सो गाइस देखिए ये कुछ ब्रांड है मुमसो, ये मैंने भी नहीं सुना, बट इधर कुछ बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। सो गाइस एक यहाँ पे काशीराम वुलन्स की शॉप है, यहाँ पे भी मतलब ये शोरूम्स लग रहे हैं, बट देखिए आप जैकेट देख रहे होंगे 750 की जैकेट है एंड फिक्स प्राइस है और बहुत सस्ता है, तो जो शोरूम से इधर उधर उसमें भी रेट्स बहुत कम है। अभी वैसे मार्केट थोड़ी थोड़ी बंद है, बट मैं आपको पूरी मॉल मार्केट घुमाऊंगा। भाई देखिए ये वुलन की शॉप है, बम्पर डिस्काउंट सेल,
मतलब इधर आपको जैकेट्स स्टार्ट हो जाएंगे 550 से 700, मैक्सिमम 1200 1300 वाली बहुत अच्छी जैकेट आ जाएगी। सो गाइस ये देखिए एक होटल सामने और यहाँ पे दार्जिलिंग की फेमस टी मिलेंगी, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हैं यहाँ पे आके। और ये पूरी माल रोड है, अभी बंद है, यहाँ पे शॉप्स बहुत लेट खुलती हैं 12 बजे तक। और आपको अगर डिनर और डिनर के साथ लाइव म्यूज़िक चाहिए तो यहाँ मेन माल रोड जो आता है गोल चक्कर आएगा उसमें आपको एक ये रेस्टोरेंट मिल जाएगा जिसमें लाइव म्यूज़िक है। सो गाइस अगर आपको टी चाहिए होंगी जो ओरिजिनल मिलेंगी, मेरे अकॉर्डिंगली यहीं पे टी ओरिजिनल मिलेंगी, हमने टी गार्डन के बाहर से लिया बट शायद से वो भी ओरिजिनल हो सकती है। बट अगर आप गोल्डन टिप्स में जाएंगे आपको इधर 110 से लेकर आपको टोटल 500,000 रुपीज़ तक की टी मिलेगी जो दार्जिलिंग की फेमस टी है। तो आप माल रोड आ रहे हैं तो इस वाली जगह में ज़रूर एक्सप्लोर करना। सो गाइस अगर आप ड्रिंक करना चाहते हैं यहाँ दार्जिलिंग आके तो आपको यहाँ पे ड्रिंक के लिए भी एक शॉप मिल जाएगी वाइन बियर की, जो कि ये है अंदर, बट इधर थोड़ा सा प्राइस महंगा है गैंगटॉक से। गैंगटॉक में तो बहुत ज़्यादा सस्ती है, तो टैक्स नहीं है। यहाँ से मॉल मार्केट स्टार्ट होगी जहाँ पे आपको वूलन की बहुत सस्ती सस्ती सारे वूलन के कपड़े और सारी चीज़ें मिलेंगी। और ये देखिए वो लड़का बाइक ले जा रहा है पैदल, यहाँ पे पैदल ही बाइक ले जा सकते हैं, यहाँ पे बाइक चलाना अलाउड नहीं है, तो ये रूल है इधर का। सो गाइस अगर आपको दार्जिलिंग में सस्ते कपड़े चाहिए होंगे तो आप महाकाल मार्केट ज़रूर आए, ये महाकाल मंदिर से आते हुए भी आ सकते हैं और माल रोड से जाते हुए महाकाल मंदिर जाते हुए भी आप जा सकते हैं। तो अगर आप आना चाहें तो आप यहाँ भी आ सकते हैं, ये भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे आपको मिलेंगी वूलन्स की चीज़ें थोड़े कम दामों में और थोड़ा डिस्काउंट भी लगा लीजिएगा। गाइज अभी तक खाने में हमने महाकाल चेक करा था, महाकाल का भी सही खाना है, थोड़ा सा मीठा था बट और रेस्टोरेंट से बढ़िया था। अब हम दूसरे रेस्टोरेंट में ट्राई कर रहे हैं जिसका नाम है, मैं दिखाता हूँ आपको, हेस्टी टेस्टी प्योर वेज रेस्टोरेंट है। यहाँ से अभी जो मेन बस स्टैंड है और जहाँ से टैक्सी मिलती है वहाँ से अभी 3 मिनट की दूरी में आपको पड़ेगा तिब्बतियन म्यूज़ियम, तो हम यहाँ से जाते हैं तिब्बतियन म्यूज़ियम। सो गाइस ये तिब्बत म्यूज़ियम है, इधर भी घूम सकते हैं बट आज ये क्लोज्ड है। तो गाइस इधर सब्वे भी मिल जाएगा। सो गाइस दार्जिलिंग में आपको ये मॉल भी मिल जाएगा जहाँ पे मूवीज़ लगी होंगी और कुछ शॉप्स हैं, ये बाहर खाने की शॉप्स हैं छोटी सी। सो गाइस इधर रिलायंस स्मार्ट भी है डिजिटल, जहाँ पे आप शॉपिंग कर सकते हो और बहुत डिस्काउंट होता है इस वाले में, इतना दिल्ली में नहीं होता। सो गाइस ये भी एक टी शॉप है। सो गाइस देखिए यहाँ पे कश्मीरी आर्ट्स की शॉप है, इसमें कश्मीरी आर्ट्स के कुछ चीज़ें मिलती हैं। गाइज अगर आपको डोसा खाना है तो महाकाल रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा, जो बाहर महाकाल है उससे बिल्कुल सीधा आना होगा अंदर जाके, उसके बाद आपको डोसा मिलेगा। और अभी मैं उसी रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तो मैं चाह रहा था यहाँ का भी डोसा ट्राई करूँ, उनमें सब चीज़ ट्राई करूँ। अभी पूरा रेस्टोरेंट खाली पड़ा हुआ है क्योंकि अभी इनकी नई ब्रांच खुली है, यहाँ पर साउथ इंडियन भी अवेलेबल है। और यहाँ पे ऐसा शोज होते रहता है सुबह शाम,
जब भी आप आओगे ये वाले शोज आपको यहीं होते हुए दिखेंगे। आज कुछ बच्चों का शो हो रहा है तो ये एक्टिविटी आपको रात तक चलती रहेगी, डांस गाने। फ्रेंड्स कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी हो दार्जिलिंग से रिलेटेड तो मुझे कमेंट करके बताएं या मुझे इंस्टा में DM कर दें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।